Hello students, how are you? I hope you all are fine and doing well at your home. This is a Komal, your computer and GK teacher on the behalf of Paramount Public School, Rajay. Today we are going to start our second chapter of Essay 2 from your Alpha book. So open chapter 5th. On page number 67, beta, chapter name is Presentation Software Special Effects. In previous chapter, you have read about MS Word. Now in this chapter, we learn about PowerPoint. What is a PowerPoint? How we do work on PowerPoint and how we make attractive presentations, okay? So, firstly, in PowerPoint presentation, there is a lot of softwares, beta, that enables you to create a presentation. Why we use to create use a presentation? To creating attractive slides and making attractive slides. Clear? It also help you to enrich them with animations and effects. In PowerPoint, we can use animations and effects to making your presentation, your document very attractive. We have some features of MS PowerPoint: use inbuilt templates, make visually appealing presentation, add elements such as text, picture and word art. So first we discuss about inbuilt templates. Inbuilt templates kya hote hain? A template is a standard design scheme. Jo templates hote hain, ek standard design scheme hote hain. Inbuilt means already jo aapke PowerPoint सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन में ऑलरेडी वहाँ पे हैं, आपको कुछ भी डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा. इन MS PowerPoint है टैम्पलेट्स एक्ट एज अ ब्लूप्रिंट, एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करते हैं PowerPoint में, ठीक है. इज अ क्रिएशन ऑफ अ न्यू स्लाइड ऑफ अ ग्रुप, मीन्स हम एक स्लाइड और नंबर ऑफ स्लाइड्स बना सकते हैं. यूजिंग PowerPoint वी कैन डिस्प्ले आर इंफॉर्मेशन ऑन मॉनिटर स्क्रीन यूजिंग स्लाइड्स और इन द फॉर्म ऑफ स्लाइड्स. इट इज़ अ प्री डिफाइंड अरेंजमेंट्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. अ टैम्पलेट इंक्लूड, जैसे टैम्पलेट्स में क्या होते हैं बेटा, टैम्पलेट्स होते हैं बने बनाए, प्री डिफाइंड. प्री डिफाइंड, प्री का मतलब होता है पहले, जो ऑलरेडी बने बनाए डिज़ाइन हैं वो पावर पॉइंट में पड़े हैं. उसमें जैसे होता है ले आउट, कलर्स, फॉन्ट इफेक्ट्स, बैकग्राउंड स्टाइल्स एंड मैनी मोर. पावर पॉइंट में क्या है बेटा, यू कैन क्रिएट योर ऑन कस्टम, आप अपना भी टैम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हो, अपनी मर्जी का कोई डिज़ाइन क्रिएट करना है, ठीक है. कहते हैं जो MS PowerPoint है हमें नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनबिल्ट टैम्पलेट्स प्रोवाइड करता है. बहुत सारे टैम्पलेट्स हैं जो हमारे PowerPoint में हैं. टैम्पलेट्स को यूज़ करने का मतलब क्या है बेटा, जब आप टैम्पलेट्स यूज़ कर रहे हो उससे आपका सबसे पहले तो टाइम सेव होगा. अगर मैं बोलूँ कि एक पिक्चर है उसको डिज़ाइन करो, डिज़ाइन करोगे सबसे पहले आप सिलेक्ट करोगे, चेक करोगे कौन सा कलर, कलर अट्रैक्टिव बनाना है, कलरफुल, तो कुछ ना कुछ तो यूज़ करोगे, क्या कौन सा कलर यूज़ करें या कौन सी पिक्चर, कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा. बट टैम्पलेट्स बने बनाए हैं, डिज़ाइन सिलेक्ट करना है आपने कि कौन सा डिज़ाइन आपको चाहिए, मीन्स आपका टाइम सेव हो गया इससे, ठीक है. नेक्स्ट बेटा कहते आप टैम्पलेट्स कैसे अप्लाई करोगे, जो इनबिल्ट टैम्पलेट्स होते हैं हम अप्लाई कैसे करेंगे. सबसे पहले तो क्या करेंगे, MS PowerPoint एप्लीकेशन सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फाइल पे क्लिक करेंगे. फाइल पे व्हेन वी क्लिक ऑन फाइल देन देयर इज़ अ न्यू, व्हेन वी क्लिक ऑन फाइल न्यू ओपन सेव, सेव एज फ्रॉम फाइल वी कैन सिलेक्टेड. नेक्स्ट फ्रॉम सर्च बॉक्स यू कैन सर्च रिलेटेड टू अबाउट योर टैम्पलेट्स, विच टॉपिक यू शुड हैव टू सिलेक्ट. सपोज देयर इज़ ऑनलाइन टैम्पलेट्स एंड थीम्स, यू हैव टू सिलेक्ट ऑनलाइन टैम्पलेट्स एंड नंबर ऑफ थीम्स ओवर देयर. दीज आर टैम्पलेट्स बेटा, जैसे एग्जाम्पल स्पोर्ट्स के बारे में आपने टैम्पलेट सर्च करना है तो लिखोगे आप स्पोर्ट्स, कंप्यूटर के बारे में करना है तो लिखोगे कंप्यूटर, ठीक है. कोई जिसके बारे में आपने टैम्पलेट सर्च करनी है, देन क्या हो जाएगा आपके पास एक टैम्पलेट्स की लिस्ट आ जाएगी. देखो स्पोर्ट्स के बारे में कितने टैम्पलेट्स आ गए. देन आफ्टर कहते क्या है, आप उसको सिलेक्ट कर लो. जैसे उन्होंने बाद में किया है चॉकबोर्ड एजुकेशन प्रेजेंटेशन, यहाँ पे उसकी टैम्पलेट्स आ जाएंगे. देन आफ्टर जब ये सिलेक्ट हो गया आप क्या करोगे, क्रिएट बटन पे क्लिक करोगे कि आपने कौन सा टैम्पलेट जो है क्रिएट करना है, बनाना है. देन क्या हो जाएगा, जो भी टैम्पलेट्स आपको रिक्वायर्ड कंटेंट है वो कहाँ पे सेव हो जाएगा आपकी प्रेजेंटेशन में. जैसे देखो पॉपुलर स्पोर्ट्स के बारे में सर्च किया था, यहाँ पर आपके टैम्पलेट्स सेव हो चुके हैं. Is it clear? I hope you understood. Thank you so much. Next chapter we will proceed in next video. Okay, bye-bye.